जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी केस में अब तक क्या हुआ, क्या नई खबर निकल के आ रही है। क्योंकि रिसेंटली बिहार सरकार ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कोशिश करी थी कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, स्पेशली जो बिहार में अभी टीआरई टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम हुआ था उसके लिए बीएड वालों को अलाउ करते प्राइमरी में। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी। क्या मामला हुआ वास्तव में, देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बिहार सरकार जो है, अभी जो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, वो बहुत अप्रोच कर रही है। अगर हम ये कहें कि बिहार सरकार बीएड वालों का समर्थन कर रही है तो ये गलत नहीं होगा। ओपनली वो लोग अप्रोच कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और वो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे बीएड वालों को बिहार शिक्षक भर्ती में। लेकिन मामला बात कुछ बनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अगले बेंच को ट्रांसफर करने की बात कही तो बिहार सरकार ने इस केस को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, रहने दीजिए, हम दोबारा से फिर इसको हम दायर करेंगे। ठीक है, तो बिहार सरकार ओपनली बीएड वालों के पक्ष में खड़ी है। ये भी रिसेंटली ने बिहार सरकार ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं, उस पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं और बच्चों की भर्ती दे रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जरा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, बात क्या हुई थी, इस चीज को देखते हैं। दैनिक जागरण की छपी ये खबर है और वहीं से मैं इसको कोट कर रहा हूँ और वहीं से मैं आपको वन बाई वन बताता हुआ चलूंगा कि वास्तव में क्या हुआ था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बीएड पास अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया था। राहत देने के से इनकार कर दिया का क्या मतलब है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है। दोस्तों, एसएलपी को खारिज कर दिया है, शुक्रवार को फ्रेश रीट पर सुनवाई होगी। ठीक है, अब दोबारा से ये लोग रीट दायर करेंगे तो फ्राइडे के दिन बात कही गई है कि फ्राइडे के दिन शायद इनकी लिस्टिंग है और फ्राइडे को शुक्रवार को फिर से इनकी सुनवाई होगी। इसके साथ ही मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। बिहार सरकार अब बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर करेगी। समझ में आई बात, दूसरी याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के बाद बिहार सरकार ने इस संबंध में दाखिल याचिका को वापस ले लिया। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ चीजें समझ लें। बिहार सरकार ने खुद अपनी याचिका, अपनी जो जो उसने याचिका दी थी उसने वापस ले ली। अब वापस क्यों ले ली, यहाँ पे जो लोग इंटरनली इससे जुड़े हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ नाम लूँ तो राहुल विद्यार्थी जी हो गए, सत्यम पाठक जी हो गए, ओम हरिओम जी हो गए, तो ये लोग जो जुड़े हैं ना, इनसे संपर्क में, इन्होंने जो ग्रुप में मैसेज करा था, मैं उसे बता दूँ, बताया ये जा रहा था कि ये जो केस ट्रांसफर हो रहा था उसी बेंच को ट्रांसफर हो रहा था जिस बेंच ने इससे पहले फैसला दिया था बीटीसी के पक्ष में, डीएलएड के पक्ष में। तो हो सकता है कि जब सेम बेंच पे जाएगी तो फिर जो फैसला होगा वो फिर से बीएड के खिलाफ हो सकता था, इसीलिए अच्छी तैयारी से लिए बिहार सरकार ने खुद ही इस मामले को वापस ले लिया कि हम दोबारा इसको क्या करेंगे, अपनी तैयारी के साथ दोबारा इसमें हम रीट दाखिल करेंगे, दोबारा हम फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। ठीक है, तो बात यह है कि याचिका को बिहार सरकार ने स्वयं ही इसको क्या कर दिया, वापस ले लिया, निरस्त या रद्द नहीं हुआ था, उसको वापस ले लिया गया। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की दायर एसएलपी दायर मांग की गई थी। कि क्या मांग किया था बिहार सरकार ने, सिंपल सी बात है कि वो ये चाहती है कि जो इस बार उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया है बीपीएससी के माध्यम से, वो चाहती है कि बीएड वालों को भर्ती में मौका दिया जाए। तो उन्होंने क्या मांग किया था कि बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त का अवसर मिलना चाहिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इसकी सुनवाई की गई, कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद बिहार सरकार ने अपने आवेदन वापस ले लिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर आप बहस करना चाहते हैं बहस करिए, मैं एक बेंच को ट्रांसफर करता हूँ, आप वहाँ पे जाके बहस करिए, वहाँ डीएलएड के भी वकील आइए। लेकिन देखा ये जा रहा था कि उसी बेंच को ट्रांसफर हो रहा था जिसके जिस बेंच ने पहले डीएलएड के पक्ष में फैसला दिया, तो बिहार सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, हम दोबारा इसको दाखिल करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया। अब थोड़ा सा और डिटेल समझ लीजिए बिहार सरकार और क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो मामला है वो केवल बीपीएससी बिहार जो भी शिक्षक भर्ती आ रही है ना उसके लिए है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी है वो ये सोच रहा है कि बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल कर दे, तो ये मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, ये अगर सोच रहे तो गलत है। बिहार सरकार केवल पर्टिकुलर इस एग्जाम्स की बात कर रही है। ये समझिए कि पूरे भारत में मना कर दिया गया है बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। अगर कोई सरकारें इसको शामिल करना चाहती हैं तो अध्यादेश बनाए या सुप्रीम कोर्ट में मांग करे, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है तो कर सकती है। पूरे भारत में अगर शामिल करना है तो पूरे भारत केंद्र सरकार का अध्यादेश लाए। अगर मान लेते हैं एक पल के लिए मान लेते हैं, जिसकी संभावनाएं कम है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है अगर बिहार सरकार चाहती है तो शामिल कर लीजिए, तो
केवल उसी एग्जाम में वही बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था। अब वो ऐसा नहीं हुआ कि आप यूपी में हैं और यूपी में भी आएगी तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही बच्चे शामिल होंगे जो बीपीएससी में इस बार उन्होंने एग्जाम दिया था। तो क्योंकि बिहार सरकार भी मांग ही यही कर रही है कि जो जिसने जिससे हमने एग्जाम ले लिया उसको हमें अलाउ करें, ठीक है। तो ये हो गई बात। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट यही है कि केंद्र सरकार अध्यादेश ला के इस चीज़ को लागू करे, जो कि दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता, कोई इस पर बहस ही नहीं करना चाहता। तो अभी तो बहुत मुश्किल लग रही है बीएड वालों के लिए। चलिए देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। कौन सरकार ने? बिहार सरकार ने। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। अभी जो है निर्णय केवल यह है कि जो डीएलएड है उन्हीं का प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा, बीएड वालों को तो रिजल्ट ही जारी नहीं होगा। इस मामले में जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुदरेश की बेंच ने, ये लोग ऑनरेबल जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, बिहार के 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है जिसमें लगभग 80,000 प्राथमिक विद्यालय में सेवा देंगे, मतलब 1 से 5 में सेवा देंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के फैसले से बीएड डिग्री को मात्र प्राथमिक शिक्षक के पात्र नहीं माना था, मतलब सिर्फ वही बात है जो राजस्थान के बच्चों की तरफ से जो दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि बीएड वाले नहीं शामिल होंगे। इस फैसले से बीएड डिग्री धारक बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अयोग्य हो गए, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई की थी और इसी क्रम में बिहार में भी डीएलएड या बीटीसी डिग्री धारक को ही प्राथमिक शिक्षक पद के योग्य माना था, करेक्ट। इसी कारण नई अभ्यर्थियों के परिणाम को रोक दिया गया है। शुक्रवार को नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो अभी क्या है, बीएड वालों को बिहार में भी रोक दिया गया है और शुक्रवार को देखते हैं अगर बिहार सरकार नई रीट दायर करती है, नई एसएलपी दायर करती है तो इसमें क्या होगी, दोबारा सुनवाई हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिहार सरकार ओपनली अप्रोच कर रही है कि वो बीएड वालों को ले ले। इसके अलावा चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई अभी शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, मंत्री जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अभी उनका कोई विचार नहीं है शिक्षक भर्ती पे, नई कोई नियुक्ति लाने पे। तो उत्तर प्रदेश में तो मामला बिल्कुल ठंडा है, उत्तर प्रदेश में तो इस पे कोई मंत्री या सरकार इस पे बहस नहीं करना चाहती है क्योंकि अभी वर्तमान में उनका कोई विचार नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें। तो बिहार सरकार चूंकि अप्रोच कर रही है, अगर आप एक बीएड अभ्यर्थी हैं तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कम से कम किसी राज्य में तो बीएड वालों का भला हो, क्योंकि देखिए जैसे जैसे राज्यों में अगर बीएड को शामिल किया जाएगा तो बीएड का पक्ष मजबूत होगा। हालांकि वर्तमान स्थिति यह है कि पूरे भारत में क्या कर दिया गया, इनको मना कर दिया गया। एक किसी राज्य में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उत्तराखंड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी मे बी, कि वहां पे बच्चों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया लेकिन उसके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बट फिलहाल में यही है कि बीएड क्या प्राथमिक शामिल होना ये एक मुश्किल घड़ी है, लगभग बाहर है आप अगर आप बीएड के हैं तो। अगर यहाँ से सरकारें अप्रोच करती हैं सबसे बेस्ट तो यही है कि अध्यादेश लाया जाए, लेकिन अगर सरकारें अप्रोच करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो अपनी बात को साबित करने में सक्षम हो जाती हैं कि हमें इनकी ज़रूरत है, इनको आने दीजिए, फिर शायद कुछ अच्छा हो सकता है बीएड वालों के साथ। फिलहाल इसकी संभावना है बहुत कम है दोस्तों। जैसे ही इस चीज़ में कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए क्या है, कभी कभी मतलब ऐसी अपडेट आती है तो हर एक चीज़ पर वीडियो बनाना मुश्किल होता है, और तो मैं सोचता हूँ कि चलो अगर कुछ मामला इकट्ठे न्यूज़ आते हैं तो एक साथ हम इसको वीडियो बना देंगे ताकि एक साथ एक जगह पे आपको सारी खबरें मिल जाएंगी। छोटे छोटे वीडियोस बनाए भी आपको भी टेंशन होगी क्योंकि ये एक ऐसा मामला है ना, क्योंकि बीएड वालों को थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ लेके जाता है, उनको थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना कि पुराने जख्म को नया बनाने की तरीके का मामला है। तो मैं जनरली बहुत अवॉइड करता हूँ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है बच्चों को। तो मैं जनरली, हालांकि जो अगर कोई बना रहा है नियम उसके बारे में मैं पर्सनली अपना राय रख रहा हूँ, क्योंकि बच्चियाँ हों या बच्चे हों बीएड करने के बाद जब ऐसी खबरें आती है तो उन्हें थोड़ा सा निराश करता है, तो इसीलिए मैं अपने आप को बड़ा अवॉइड करता हूँ इन सब टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए। बट जनरली कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो मैं सोचता हूँ इकट्ठे कभी एक हफ्ते में एक बार एक वीडियोज़ बना दिया जाए ताकि आप अपडेट रहे कि मामला क्या हो रहा है, राइट। सो मैं आशा करता हूँ जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको बताऊँगा। बाकी आप क्या करना, अगर आपका बीएड के अभ्यर्थी हैं बिल्कुल निराश मत होइए। जब ये फैसला आया था ना कि बीएड और बीटीसी में बीएड वालों को बाहर, मुझे लगता है कोई बात नहीं है, बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, बच्चे सेकेंडरी जूनियर टीजीटी और पीजीटी के टीचर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी जारी रखिए, टीजीटी की तैयारी करिए, पीजीटी की तैयारी करिए,
अगर आप बीएड कर चुके हैं, आपने मास्टर्ड कर लिया है तो नेट की तैयारी करिए, यूजीसी नेट दीजिए। अगर आपने मास्टर्ड नहीं किया है तो मास्टर्ड करिए, बीए है तो एमए करिए, बीएससी है तो एमएससी करिए। अगर बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं तो जारी रखिए पढ़ाई अपनी, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा ही, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, पढ़ते रहिएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, खुद को शिक्षा से जुड़े रहिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि ऐसी जानकारियाँ आपको अच्छी लगेंगी, चैनल से जुड़े रहिएगा, मुझे खुशी होगी अगर आप और लोगों को मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो शेयर करिएगा, जो भी बीएड से संबंधित बच्चे हैं उन तक शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि वो लोग इस चैनल से जुड़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आपके भविष्य के जीवन के लिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।